पोलिंग का वक्त खत्म। कराची के हलका एनए 245 और पीएस 115 में पोलिंग मुकम्मल। अब सिर्फ पोलिंग स्टेशन में मौजूद लोग ही वोट कास्ट कर सकेंगे। पोलिंग के दौरान दिन भर लाइन्स एरिया में मुत्तहिदा और मुहाजिर कौमी मूवमेंट के दरमियान झगड़ा होता रहा। हवाई फायरिंग भी हुई। रेंजर्स ने सेक्टर 1 में कई अफराद को हिरासत में ले लिया। कहीं पोलिंग अमला तो कहीं सामान गायब। कराची के जिमनी इंतखाब में इलेक्शन के रिवायती रंग। इल्जाम भी लगे, झगड़े भी हुए, पुलिस भी आई, बिजली भी गई, लेकिन जमहूरियत की लौ जलती रही। लोगों ने उम्मीद की शमा जलाकर वोट डाले। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। एनए 245 पर तहरीक इंसाफ के अमजदुल्ला ने एन वक्त पर पार्टी बदल ली। खुद पीटीआई के लिए वोट मांगते रहे। वोटिंग शुरू होने से चंद घंटे पहले मुत्तहिदा से जा मिले। कहा एमक्यूएम में अपनी मर्जी से आया, किसी से कोई डीलिंग नहीं हुई। बहुत ऑफर थी। इमरान खान के लिए जान देने वाले वर्कर सामने ला सकते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो दुकानें खोल कर बैठे हैं। अमजदुल्लाह तो पीपल्स पार्टी में आना चाहते थे, लेकिन पैसों के मुतालबे पर हरी झंडी दिखा दी। नजमी आलम का दावा। फारूक सत्तार बोले, जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए उसे अपने मुंह पर मार लेना चाहिए। अमजदुल्लाह को पैसे देकर नहीं, दिल देकर बुलाया है। तहरीक इंसाफ ने एनए 245 का जिमनी इंतखाब कल अदम करार देने का मुतालबा कर दिया। इमरान इस्माइल ने कहा, पीटीआई के उम्मीदवार की रातों रात वफादारी तब्दील कराई गई। जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने हैं। जियो न्यूज के एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा ने अपने प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ की अंदरूनी गड़बड़ से सारी दुनिया को आगाह कर दिया, लेकिन अली जैदी ने तर्दीद की। कुछ ही देर बाद कहानी खोलकर सामने आ गई। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अकबर का कराची की खुदादाद कॉलोनी के पोलिंग स्टेशन का दौरा। कहा रेंजर्स को सिंध और कराची पुलिस का ताबून हासिल है। ऑपरेशन कराची विफाकी और सिंध हुकूमत के जेरे साया चल रहा है। हुकूमत जो फैसला करेगी इसके तहत अंदरूनी सिंध ऑपरेशन लेकर जाएंगे। क्वेटा में एहतजाज करने वाले यंग डॉक्टर्स को पुलिस ने असेंबली की तरफ बढ़ने से रोक दिया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग, लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग। अपोजिशन करेगी धूम धड़का, हुकूमत को लगा है कल से धड़का। कौमी असेंबली इजलास के लिए नून लीग ने आज तमाम अराकीन को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। अपोजिशन ने भी कमर कस ली। इमरान खान ने कहा कि पनामा लीक्स की दुरुस्त तरीके से तहकीकात होनी चाहिए। यही अवामी मुतालबा कौमी असेंबली में रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्क की अंदरूनी बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा। शुरका को पाकिस्तान में गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों के किरदार पर भी ब्रीफिंग। दुश्मन एजेंसियों की पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हर किस्म के इकदाम का फैसला। भारत गुजश्ता कई साल से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत कर रहा है। ड्रॉ के एजेंट कुलभूषण यादव के लिए भारतीय कौंसलर रसाई की दरख्वास्त जेरे गौर है। ईरान ने अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी कराई है। पठानकोट वाके पर जेआईटी मालूमात का जायजा ले रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। मैं ये नहीं हूं, ऑरेंज लाइन ट्रेन सेमिनार के दौरान वजीर आला पंजाब जज्बाती हो गए। तकरीर के दौरान जज्बाती अंदाज में डाइस के पास रखे मेज पर मुक्के मारे। नून लीग के रहनुमा दानियाल अजीज भी पीटीआई पर बरहम। इमरान खान आज रसीदें लेके आना गरीब कैंसर पेशेंट्स के पैसों का असेंबली में, नहीं तो हम देखेंगे कि तुम क्या बात करोगे और किसके ऊपर तंज करोगे।
अग्रवाल टी20 सेमीफाइनल में भारत की शिकस्त के जख्म ताजा करने आ रहे हैं डीजे ब्रावो। आईपीएल की इफ्तिताही तकरीब में अपना मशहूर चैंपियन सॉन्ग लेकर।